नमस्कार, वक्त हो गया है पहाड़ समाचार का। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। हरिद्वार में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। मेला क्षेत्र को कई जोन में बांटा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेला क्षेत्र को यहाँ कई जोन में बांटा गया है ताकि इंतजाम में कोई लापरवाही ना हो, कोई कोताही ना हो। क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा का ये मौका है। आज के दिन गंगा स्नान का खासा महत्व होता है। पूजा पाठ और दान का भी आज के दिन विशेष महत्व है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर भी घाटों पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। साथ ही विशेष पूजा अर्चना आज के इस मौके पर की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को श्रेष्ठ पूर्णिमा का दर्जा हासिल है, इसलिए आज के दिन कहा जाता है कि जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। आज के दिन दान भी दिया जाता है और अपनी राशि नक्षत्र के हिसाब से दान करने से जो विशेष फल की प्राप्ति होती है, मनोकामना की सिद्धि होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में आज के दिन गंगा घाटों पर श्रद्धालु उमड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि आज के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान के साथ ही अपने पापों से भी मुक्ति पाते हैं श्रद्धालु।